हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन फ्रॉम अनअकैडमी स्टूडियोस प्लेसिबो। मैं हूं आप लोगों का दोस्त विपिन कुमार शर्मा और आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द कंपैरिजन ऑफ ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द प्लांट किंगडम चैप्टर। तो वहां पर हम इन तीनों का कंपैरिजन देखेंगे विद द हेल्प ऑफ अ टेबल दैट इज गिवन इन एनसीईआरटी। सो जैसे कि हम लोगों ने एक सीरीज चला रखी है लर्न विद द हेल्प ऑफ टेबल्स, तो हम जो है उस टेबल की हेल्प लेकर काफी सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे कि आखिर स्टोर्ड फूड जो होता है वो ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी में किस तरीके से होता है एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द गैमीट्स और द स्पोर्स दैट आर फाउंड बाय देम। और उसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं रिगार्डिंग हैबिटेट एंड द नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स, द पिगमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन दीज क्लासेस ऑफ एल्गी, ओके, और दीज क्लासेस ऑफ प्लांट्स बेसिकली। तो हम यहाँ पर इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू टेक अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। दिस इज आवर टीम प्लेसिबो गाइस, वी आर 6 एजुकेटर्स राइट नाउ जो कि आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं ऑन रेगुलर बेसिस ऑन आवर यूट्यूब चैनल एज वेल एज ऑन अनअकैडमीज प्लस प्लेटफॉर्म। दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल्स ऑफ माइन, सो अगर आप इन्हें पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज लेट्स प्रोसीड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हियर इज that all the educators of team placebo are very very active on telegram group, so aapko humse judne ke liye karna kya hai, you just have to install this app from google play store, aapko ise open karna hai and you just have to search neet placebo, that is the name of our team on search icon, aur jaise hi aap neet placebo search karenge you will be directed to join our group aur aapko wahan par hamari jitni bhi free special classes hum log lagate hain un sab ke session ke bare mein pata lag jayega that what are the topics that we are going to cover in our special class or special class ki timing kya hogi sab kuch, plus aapko youtube par hum daily update karte hain, okay, ki hum youtube par kaun sa content leke aane wale hain, so basically wo bhi aap logon ko clear ho jata hai. Now let me introduce you guys with the plus platform. It is one of the most incredible platform if you are preparing for any of the competitive examination while sitting at your home. So agar aap ghar pe baith ke kisi bhi competitive examination ki taiyari kar rahe hain starting from neet to upsc, तो आपको डायरेक्ट एक्सेस मिलता है इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का, ओके, वो एजुकेटर्स देश के अलग अलग कोनों में बैठ के आप लोगों से लाइव इंटरेक्ट कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। सो यहाँ पर आपके थ्योरेटिकल कंटेंट की बहुत ही ज्यादा डीप एक्सप्लेनेशन आपको दी जाती है और थ्योरी के साथ साथ आप लोगों के लिए क्विजेज और मॉक टेस्ट भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिससे यू कैन एनालाइज योर परफॉर्मेंस कि कौन से टॉपिक आपके बहुत बेहतरीन हो चुके हैं और कौन से टॉपिक्स पे आपको और ज्यादा मेहनत करने की और ज्यादा काम करने की जरूरत है। डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पर होते हैं, इट मीन्स दैट अगर आपको कोई भी डाउट आता है ड्यूरिंग द लाइव सेशन इटसेल्फ तो आप तब की तब अपने एजुकेटर से पूछ सकते हैं और अगर आपके सारे डाउट्स क्लैरिफाई नहीं हो पाते आप लोग बाद में कुछ क्वेश्चंस अगर सॉल्व करते हैं तो आपके हर 3 लेक्चर के बाद डेडिकेटेड डाउट सेशन होते हैं जहाँ पे आप उन तरीके के क्वेश्चंस को उठा सकते हैं और आप अपने एजुकेटर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। सो डाउट क्लियरिंग सेशन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर। अगर आपने कभी अपनी क्लासेस मिस भी कर दी तो आपको रिकॉर्डेड वर्जन और हैंड रिटन नोट्स भी मिलते हैं। लाइव क्लासेस होती है दोस्तों यहाँ पे, इसका मतलब आप टीचर से इंटरेक्ट करते हैं एट द वेरी सेम मोमेंट और पर्सनलाइज्ड वे ऑफ लर्निंग है, यानी योर लैपटॉप और योर मोबाइल स्क्रीन इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू योर क्लासरूम एंड यू कैन डायरेक्टली एक्सेस ऑल द लेक्चर्स विद द हेल्प ऑफ योर मोबाइल ओनली। जैसे ही आप ईयरफोन्स लगाएंगे यू विल गेट इनटू अनदर वर्ल्ड ऑफ नॉलेज एंड प्योर एजुकेशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं विच आर गोइंग ऑन प्लस। These are the top educators of India for NEET and AIIMS which are teaching you on plus. तो इतने सारे educators से पढ़ने का आपको मौका मिलता है। Monthly mock test में आप लोगों को बता चुका हूँ that it is very important to analyze your performance. These are some upcoming courses on plus जो कि आने वाले हैं, जो कि already list हो चुके हैं। So अगर आपको इन सारे courses को देखना है with your top educators तो आप plus पे enroll कर सकते हैं and for that what you have to do, you just have to install the Unacademy's learning app from Google Play Store. उसके बाद आपको प्लस आइकन पर क्लिक करना है और गेट सब्सक्रिप्शन पर जाने के बाद अपना पसंदीदा पैक यहां से उठा लेना है। आई रेकमेंड यू अ 6 मंथ्स पैक बिकॉज काफी सारे एजुकेटर्स ने अपना क्रैश कोर्स चला रखा है और मैंने भी अपने कैप्सूल कोर्सेज वहां पर लॉन्च करने स्टार्ट कर दिए हैं। सो द फर्स्ट कैप्सूल कोर्स दैट आई हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड वाज ऑन रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट्स और फिलहाल मैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पढ़ा रहा हूँ, माई कोर्स इज गोइंग ऑन। सो इफ यू वॉन्ट टू अटेंड दैट यू कैन ऑल्सो टेक अ ट्रायल पैक ऑफ 1 मंथ। फीस सबमिट करने से पहले यू विल बी आस्क्ड अबाउट अ कोड, सो अगर आप कोड विपिन लाइव लगाकर अप्लाई कर देते हैं देन ऑब्वियसली यू विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन ऑल द कोर्सेज दैट यू विल अवेल। आप कोई भी कोर्स अगर लेंगे और विपिन लाइव कोड वहां पर लगाएंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ऑन 1 ईयर सब्सक्रिप्शन
जो कि आपको 30,000 में मिलती है, दैट विल बी टेकन बाय यू इन 27,000 ओनली अप्लाइंग द कोड विपिन लाइव. और दो साल का जो पैक है फॉर 48,000 रुपीज, यू कैन अवेल इट बाय अप्लाइंग दिस कोड इन 43,200 रुपीज ओनली. यानी कि कोई भी कोर्स हो, इफ यू आर अप्लाइंग दिस कोड देन इट इज वेरी वेरी श्योर दैट यू विल बी गेटिंग 10% ऑफ. अब आते हैं टॉपिक पे, और टॉपिक है क्लियर कट कॉन्सेप्ट्स वाया टेबल्स. यानी कि इस पर्टिकुलर लेक्चर में भी हम बात करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट की, दैट इज द कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ एल्गा. ओके, और वहां पर हम जो है इनके काफी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की भी कोशिश करेंगे इन दिस स्लाइड ओनली. यानी कि इफ यू विल टॉक अबाउट द क्लासेस ऑफ एल्गी, तो आपको पता है कि 3 डिफरेंट क्लासेस आर देयर. द फर्स्ट वन इज ग्रीन एल्गी, द सेकेंड वन इज योर फायोफाइसी दैट इज योर ब्राउन एल्गी, एंड द थर्ड वन इज रोडोफाइसी दैट इज योर रेड एल्गी. तो ये 3 क्लासेस हैं, एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो कि आपको कंसिडरेशन में लेने हैं कि इनमें पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं, इनमें स्टोर्ड फूड कैसा होता है, इनमें फ्लैजेला की अरेंजमेंट और नंबर कैसी होती है, एंड उनकी हैबिटेट क्या होती है. सो बेसिकली इफ यू वॉन्ट टू गो थ्रू ईच एंड एवरीथिंग इन अ प्रॉपर वे, तो वहां पर आपको इनके बेसिक कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी. नाउ क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी इज बेसिकली कॉल्ड एज ग्रीन एल्गी क्योंकि इसके नाम में सब कुछ गिवन है. ओके, क्लोरो मीन्स इट इज समहाउ रिलेटेड टू क्लोरोप्लास्ट और इट इज समहाउ रिलेटेड टू द क्लोरोफिल. ओके, और हमें अच्छे से पता है दैट क्लोरो इज अ वर्ड दैट इज यूज फॉर ग्रीन कलर. क्यों? क्योंकि आपका जो क्लोरोफिल होता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द ग्रीन पिगमेंट ऑफ प्लांट्स बॉडी. सो क्लोरो इज रिजेंबलिंग विद क्लोरोफिल, तो जाहिर सी बात है क्लोरोफाइसी इज योर ग्रीन एल्गी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज योर रोडोफाइसी. ओके, सो इन रोडो द इनिशियल अल्फाबेट्स आर आर एंड डी. ओके, एंड बोथ ऑफ दीज अल्फाबेट्स आर कमिंग इन रेड ऑल्सो. ओके, आर एंड डी, इट मीन्स दैट रोडो इज सिंपली रिजेंबलिंग विद द वर्ड रेड, तो वो आपका रेड एल्गी के बारे में आपको जो है जानकारी देगा. एंड द रिमेनिंग वर्ड इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी द ब्राउन एल्गी जो कि बच चुका है. सो आपको याद किस तरीके से करना है, क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन, सो क्लोरोफाइसी विल बी द ग्रीन एल्गी. रोडो हैज द अल्फाबेट्स व्हिच आर रिजेंबलिंग टू रेड, सो रोडो का मतलब आपका रेड एल्गी हो जाएगा, और आपका जो बचा हुआ है दैट इज फायोफाइसी एंड ब्राउन एल्गी, वो आपस में एक ही हमारे पास ऑप्शन बचा, तो फायोफाइसी इज गोइंग टू बी द ब्राउन एल्गी. देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल. नाउ The chlorophyci have its body color of grass green. Okay, जो chlorophyci होते हैं basically इनका जो color होता है that is grass green in nature. ये grassy green color के रहते हैं just like the heading. Okay, it is also grassy green in color. And why it is grassy green? Because of the abundance of pigment chlorophyll A and B. क्योंकि ये जो chlorophyll A होता है friends that is the most vital pigment that you will find in case of higher plants. Higher plants bhi jo hote hain, bahut lambe trees jo hote hain, unke andar jo chlorophyll paya jata hai, that is also chlorophyll A. So chlorophyll A aur B ki presence hai yahan par, to wo ek characteristic color provide karte hain aapke green algae ko, and that is grassy green in color. So koi agar aapse pooch le that what is the reason behind the grassy green color of green algae, that is going to be the abundance of chlorophyll A pigment. Now this brown algae, so all the brown algae are not naturally brown, so that is the misconception. Okay, it start with the olive green. Okay, they may be green as well. So olive green color se leke brown color tak ki inki pigmentation ho sakti hai. It depends upon what kind of pigments are found in abundance. Aapke yahan par bhi chlorophyll paaye jaate hain. Okay, aur chlorophyll A yahan par bhi hai, but yahan par ab ek mixture jo banega just because of some other pigments also, वो भी कहीं ना कहीं डिटरमाइन करेगा कि आपके एल्गी का फाइनल कलर क्या होने वाला है. सो इट मे स्टार्ट विद द ऑलिव ग्रीन कलर, बट इट कैन बी ब्राउन बिकॉज देर आर सम एडिशनल पिगमेंट्स सच एज जेंथोफिल्स. जस्ट लाइक क्लोरोफिल, जेंथोफिल इज प्रेजेंट इन केस ऑफ द ब्राउन एल्गी, प्लस यहां पर आपके कैरोटीनॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं. So, यहां पर एक कैरेक्टरिस्टिक टाइप का जेंथोफिल होता है जिसे आप कहते हैं फ्यूकोजेंथिन. नाम में देखिए सॉरी नाम में आप देखेंगे जेंथ इज कॉमन. ओके, सो फ्यूकोजेंथिन इज अ टाइप ऑफ जेंथोफिल. सो अगर आप इस जेंथोफिल को कंसिडरेशन में लें तो आपको एक चीज पता लग जाएगी
कि अगर इस जेंथोफिल की कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है देन द प्लांट्स पिगमेंटेशन इज गोइंग टू बी ब्राउन. सो ब्राउन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल जो पिगमेंट है वो यहाँ पर आपका फ्यूकोजेंथिन है विच इज अ काइंड ऑफ जेंथोफिल. ओके, नाम में ही जेंथ आ रहा है सो इट विल गिव यू एन आइडिया कि ये जेंथोफिल है. कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं वो एडिशनल पिगमेंट्स होते हैं एंड दे प्रिवेंट्स क्वेंचिंग. बेसिकली आपके कई बार बहुत ही ज्यादा स्कॉर्चिंग रेडिएशन आ जाती है प्लांट के ऊपर. ओके, बहुत ही ज्यादा हार्मफुल रेडिएशन आ जाती है जब सूरज जो है बहुत ज्यादा गर्म रहता है. उस टाइम पर जो टेम्परेचर जो है टॉलरेंस लेवल से ऊपर हो जाता है सो योर क्लोरोफिल बिकम एक्साइटेड. लेकिन क्लोरोफिल को काफी बार इतनी एनर्जी नहीं चाहिए होती, उसे और भी एनर्जी मिलती जा रही है. सो वो क्या करेगी, एनर्जी डिसिपेशन का एक मैकेनिज्म ढूंढेगी. सो क्लोरोफिल को काफी बार प्रिवेंट करने के लिए एडिशनल पिगमेंट्स भी आसपास प्रेजेंट होते हैं दैट आर बेसिकली कॉल्ड एज कैरोटीनॉइड्स एंड सम इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स आल्सो वर्क्स इन दैट. ओके, सो कैरोटीनॉइड इज जस्ट एन एग्जांपल. और क्योंकि इसके नाम में है कैरेट, ओके, कैरोटीनॉइड्स मींस कैरेट. सो ये वाले पिगमेंट्स जब आपके एक्सेस में हो जाते हैं तो बेसिकली दे यूज टू गिव द प्लांट अ कलर ऑफ येलोइश टू द ऑरेंज, समवट लाइक ऑरेंजिश कलर. ओके, क्योंकि कैरेट का मतलब वही रहता है कि आपका ऑरेंज से लेके रेड तक की कोई पिगमेंटेशन, उसके बीच का कोई पिगमेंट जो है वो वहां पर दिखाई देने लगता है. सो आपके प्लांट्स के लीव्स अगर आप काफी बार देखें दे टर्न्स आउट येलो. ओके, सो वो जो है वहां पर इन पिगमेंट्स की अबंडेंस बढ़ जाती है प्लस आपका क्लोरोफिल काफी बार डिग्रेड हो जाता है. सो क्लोरोसिस के बारे में आप सबने पढ़ा होगा, मिनरल न्यूट्रिशन में ये सारी चीजें आती हैं बेसिकली. सो क्लोरोफिल की कॉन्सेंट्रेशन आपकी कम हो जाती है एंड द यू नो कैरोटीनॉइड की कॉन्सेंट्रेशन जो है बढ़ जाती है तो ओवरऑल जो अपियरेंस आती है आपके प्लांट के कलर की दैट बेसिकली बिकम्स येलोइश. ओके, एंड इन सम इम्पॉर्टेंट फ्रूट्स सच एज कैरेट जो कि मैंने आपको बताया एंड सम इम्पॉर्टेंट स्पीसीज ऑफ कैप्सिकम, काफी बार उन यू नो पिगमेंट्स की अबंडेंस चाहिए हमें बिकॉज वी वॉन्ट दैट कलर टू बी रिफ्लेक्टेड इन द फ्रूट इटसेल्फ. ऑलराइट, सो यहाँ पर क्या है, आपका क्लोरोफिल ए और सी प्रेजेंट है. ए और बी का कॉम्बिनेशन नहीं है यहाँ पर, ए और सी का कॉम्बिनेशन यहाँ पर प्रेजेंट है प्लस यहाँ पर आपके जेंथोफिल्स एंड कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट है. एंड व्हाट इज द अबंडेंट जेंथोफिल दैट इज प्रेजेंट इन ब्राउन एल्गी, फ्यूकोजेंथिन. ओके, सो इस वजह से आपका कलर जो है ऑलिव ग्रीन से ब्राउन हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल दीज पिगमेंट्स, कौन कितना ज्यादा एक्सप्रेस कर रहा है उस हिसाब से. रोडोफाइसी इट इज गोइंग टू बी रेड इन कलर, और रेड कलर के पीछे का जो रीजन है वो है आपका आर फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट. ओके, आर फाइकोएरिथ्रिन बोलते हैं आप इसे काफी बार, आर यू कैन सिंपली रिप्रेजेंट एज रेड क्योंकि ये आपको रेड कलर देगा तो आर आप वर्ड यहाँ पे लगा सकते हैं एंड एरिथ्र सिंपली मीन्स रेड. ओके, तो इसके नाम में ही है. तो काफी बार काफी चीजें ग्रीक वर्ड से उठाई हुई होती हैं सो उनका अगर हमें थोड़ा बहुत मीनिंग पता लग जाता है देन वी कैन इजीली लर्न द बेसिक कॉन्सेप्ट्स. सो अभी तक हमने पढ़ा कि कॉमन नेम क्या है और उनके कॉमन नेम क्यों रखे गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द पिगमेंट्स. सबसे पहले क्लोरोफिल जो पिगमेंट होंगे कौन कौन से होंगे, ग्रीन में आपके बेसिक पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं ए एंड बी, ब्राउन में आपका ए और सी प्रेजेंट होगा और रेड में आपका ए और डी प्रेजेंट होगा. यानी ए इज कॉमन इन ऑल ऑफ देम बट बी सी और डी आपके एक सीक्वेंस में चलते जाएंगे. ओके, बी इज प्रेजेंट इन द ग्रीन वन, सी इन द ब्राउन वन एंड डी इन द रेड वन. सो डी इज कमिंग इन द रेड वर्ड इटसेल्फ. ओके, सो रेड में आपका डी होता है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं. सो क्लोरोफिल ए और बी आपका ग्रीन में कंफर्म है, डी इज कमिंग इन रेड, सो डी वाला आपका रेड में कंफर्म है तो बचा आपका सी विच विल बी प्रेजेंट इन द ब्राउन वन. ओके, रेड कलर यहाँ पे आता है आर फाइकोएरिथ्रिन की वजह से और ब्राउन कलर आपका आता है फ्यूकोजेंथिन की वजह से. और क्लोरोफाइसी में ए और बी की जो कॉम्पोजिशन है वो बेसिकली आपका ग्रासी ग्रीन कलर प्रोवाइड करती है. नाउ स्टोर्ड फूड, द फूड इज स्टोर्ड बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स इन केस ऑफ योर क्लोरोफाइसी. ओके, ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में या फिर सिंपल स्टार्च के फॉर्म में जो है फूड को स्टोर किया जाता है. तो स्टार्च इज द स्टोरेज कंपाउंड बेसिकली. हम सबको पता है कि जो हायर प्लांट्स रहते हैं उनमें स्टोरेज कंपाउंड जो रहता है वो स्टार्च ही रहता है. एंड द ग्रीन एल्गी इज कंटेनिंग द क्लोरोफिल पिगमेंट्स एज सिमिलर एज द हायर प्लांट्स. तो जाहिर सी बात है ये इन क्लोरोफिल की मदद से सेम कंपाउंड्स जनरेट करेगा जो कि आपका हायर प्लांट करता है. सो उसे स्टोर भी सेम तरीके से किया जाना चाहिए. दैट इज अ सिंपल कंक्लूजन दैट यू कैन डेराइव. अब ब्राउन कलर की ड्रिंक्स आप कौन सी पीते हैं, ब्राउन कलर की ड्रिंक्स जो आप पीते हैं दैट इज गोइंग टू बी लाइक
कोको कोला और कोक और पेप्सी, तो ये जो ब्राउन कलर की ड्रिंक्स आती हैं, इनको मेजर करने की जो यूनिट होती है दैट इज ml, ओके. सो ml इज गोइंग टू बी द स्टोरेज फूड. आप स्टोर कर रहे हैं किसी चीज को ml में. सो यहां पर ब्राउन कलर की जो चीज है वो स्टोर होगी ml के फॉर्म में, दैट इज मैनिटॉल एंड लैमिनरिन स्टार्च, ओके. सो लैमिनरिन एंड मैनिटॉल के फॉर्म में स्टोर की जाती हैं चीजें इन केस ऑफ ब्राउन एल्गी. सो ब्राउन से आप ब्राउन बॉटल याद कर सकते हैं, ओके. और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ml में होते हैं बिकॉज इट इज अ लिक्विड. सो ml सिंपली मीन्स मैनिटॉल एंड लैमिनरिन. व्हेन इट कम्स टू द रोडोफाइसी, तो यहां पर आपका फ्लोरिडियन स्टार्च प्रेजेंट होता है. यहां पे आप दोबारा अगर एक कंक्लूजन लगाने की कोशिश करें, R और D जो कि मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अल्फाबेट, क्योंकि अगर आपने R एंड D का कॉन्सेप्ट यहां पर लगा लिया तो आपकी सारी चीजें आपको एग्जामिनेशन में आसान तरीके से याद आ जाएंगी, बिकॉज D इज ऑल्सो प्रेजेंट ओवर हेयर, ओके. यहां पर भी आप अगर देखें R और D प्रेजेंट है, R और D, इसी का हम जो है होमोलॉजी लगाकर काफी सारी चीजें याद कर रहे हैं. सो ब्राउन in the form of mannitol and laminarin, green in the form of starch or the oil droplets, aur jab aap baat karte hain red ki to floridian starch is the storage compound. aap agar cell wall ki baat kare to yahan par cellulose ki inner layer present hoti hai in chlorophyce, aur kafi baar bahar jo hai aapki pectose ki layer bhi present rehti hai, that is pectin is also present somehow. majority of the cell wall is formed up of cellulose just like higher plants. So, आपके जो ग्रीन एल्गी होते हैं वो ग्रीन प्लांट से बहुत रिजेंबल करते हैं, चाहे वो आपका स्टोरेज फूड हो, चाहे वो आपके क्लोरोफिल हो, चाहे वो आपका लीफ का कलर हो, चाहे वो आपका सेल वॉल का नेचर हो, हर चीज बहुत हद तक सिमिलर है, ओके. सो सेलुलोज एंड पेक्टोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल ओवर हियर टू अंडरस्टैंड दिस, ओके. जब आप बात करते हैं ब्राउन एल्गी की, सो सेलुलोज प्लस एक जिलेटिनस कोटिंग प्रेजेंट होती है, एंड दैट कोटिंग इज बेसिकली ऑफ एल्जिन, ओके. सो सेलुलोज के साथ साथ एल्जिन यहां पर प्रेजेंट होता है. इन केस ऑफ रेड एल्गी सेलुलोज पेक्टोज और पॉलीसल्फेट एस्टर्स यहां पर प्रेजेंट होते हैं. तो सेलुलोज और पेक्टोज तो प्रेजेंट हैं ही, जो कि प्रीवियस केसेस में भी प्रेजेंट थे, लेकिन पॉलीसल्फेट एस्टर्स की भी यहां पर कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होती है, जो कि इनकी सेल वॉल को यूनिक बनाती है, ओके. सो तीनों की सेल वॉल कैसी है, एक में सेलुलोज की अबंडेंस बहुत ज्यादा है. सेकेंड केस की अगर आप बात करें, यानी कि ब्राउन एल्गी की अगर आप बात करें, तो सेलुलोज के ऊपर जिलेटिनस कोटिंग है ऑफ एल्जिन, और अगर आप रोडोफाइसी की बात करें तो सेलुलोज आपका प्रेजेंट है, पेक्टोज आपका प्रेजेंट है, और उसके साथ साथ आपके पॉली सल्फेट एस्टर्स भी प्रेजेंट है, ओके. अगर आप फ्लैजेला का नंबर देखें और पोजिशन देखें, तो यहां पर क्लोरोफाइसी में 2 से 8 आपका फ्लैजेला का नंबर हो सकता है, जो कि साइज में इक्वल होते हैं और एपिकल होते हैं. एपिकल मतलब ऑन द टिप. So if you will take the example of zoospore, जो कि मोटाइल होता है, इस तरीके का उसका स्ट्रक्चर होता है. So the flagella are going to be apical. It means that वो एपेक्स पर लगे होंगे, वो इक्वल होंगे साइज में, और 2 से 8 इनका नंबर हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिज्म, ओके. अगर आप ब्राउन एल्गी की बात करें तो 2 यहां पर फ्लैजेला प्रेजेंट रहते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यहां पर पायरीफॉर्म गैमेट्स होते हैं, यानी कि पियर शेप्ड गैमेट्स होते हैं आपके इस तरीके के, ओके. और यहां पर जो आपके फ्लैजेला है वो अनइक्वल होते हैं, प्लस इनकी अरेंजमेंट जो है लेटरल होती है, ओके, एंड दे आर अनइक्वल इन साइज. और अगर आप रोडोफाइसी की बात करें तो यहां पे नॉन मोटिलिटी होती है, यानी कि यहां पर मोटाइल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं होते. और मोटाइल स्ट्रक्चर्स क्या है किसी भी सेल के, दे आर फ्लैजेला बेसिकली. सो अगर ये मोटाइल नहीं है, इट सिंपली मीन्स दैट दे विल बी और दे विल नॉट बी हैविंग द फ्लैजेला फॉर श्योर. तो यहां पर जो है फ्लैजेला एब्सेंट होंगे, ओके. सो ग्रीन एल्गी में 2 से 8 फ्लैजेला हो सकते हैं, एपिकली अरेंज्ड होंगे और इक्वल होंगे साइज में. इफ यू विल टॉक अबाउट ब्राउन एल्गी, तो 2 फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे, अनइक्वल होंगे, लेटरल होंगे, और रेड एल्गी में आपका कोई फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता. सो अरेंजमेंट की बात की ही नहीं जाएगी. इफ यू विल टॉक अबाउट हैबिटेट, सो जो ग्रीन एल्गी है वो आपके फ्रेश वाटर में मिलते हैं, ब्रैकिश में मिलते हैं और सॉल्टी वाटर में मिलते हैं, लेकिन फ्रेश में इनकी अबंडेंस ठीक ठाक होती है. If we will talk about the overall abundance, तो fresh में ये कुछ हद तक आपको देखने को मिल जाएंगे. लेकिन अगर आप फायोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी की बात करें, तो ये ज्यादा अबंडेंट होते हैं मैराइन वाटर में, ओके. ये मैराइन वाटर में ज्यादा अबंडेंट होते हैं एज कंपेयर टू फ्रेश वन. सो फ्रेश वाटर में देयर अबंडेंस इज रेयर, बट मैराइन में इनकी ज्यादा होगी. और जब आप रोडोफाइसी को देखते हैं,
तो यहां पर इनकी सॉल्टी वाटर में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होती है. ओके, सो फ्रेश वाटर में कुछ प्रेजेंट होते हैं, ब्रैकिश वाटर में भी, लेकिन सॉल्टी वाटर जहां पे हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन होगी वहां पर इनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, मतलब वहां पे इनकी अबंडेंस बहुत ज्यादा होती है. ओके, सो दिस इज द कंपैरिजन ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स. यहां पर हमने जितनी भी क्लासेस हैं एल्गी की उन सबको कंपेयर किया ऑन द बेसिस ऑफ मेजर पिगमेंट दैट आर प्रेजेंट. सो मेजर पिगमेंट कौन कौन से थे, ए और बी थे आपके ग्रीन एल्गी में, ए और सी थे आपके ब्राउन में, ए और डी थे आपके रेड में. डी इज कमिंग इन द रेड वर्ड, सो डी रेड में होगा. ब्राउन एल्गी को कलर कौन दे रहा था, इट इज अ जेंथोफिल कॉल्ड एज फ्यूकोजेंथिन. रेड एल्गी को कलर कौन दे रहा था, इट इज आर फाइकोएरिथ्रिन. ओके, स्टोर्ड फूड की अगर हम बात करें ग्रीन एल्गी में था आपका बेसिक स्टार्च, अगर आप बात करें ब्राउन एल्गी में तो एमएल, मैनिटॉल एंड लैमिनरिन. अगर आप बात करें रेड की तो फ्लोरिडियन स्टार्च इज प्रेजेंट, जिसमें आर और डी अल्फाबेट आपको देखने को मिलेंगे. सेल वॉल का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो इट इज सेल्यूलोजिक इन ग्रीन एल्गी. यहां पर कुछ एडिशनल कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज एल्गी इन वॉट, ब्राउन एल्गी. ओके, सो ब्राउन एल्गी में एल्जिन कॉम्पोनेंट यहाँ पे प्रेजेंट रहता है. सेलुलोज, पेक्टोज और पॉलीसल्फेट एस्टर्स की सेल वॉल प्रेजेंट होती है रेड एल्गी के अंदर. फ्लैजेला के अरेंजमेंट के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि 2 से 8 इक्वली अरेंज्ड एपिकल फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे ग्रीन एल्गी में, 2 अनइक्वल लेटरली प्लेस्ड फ्लैजेला आपके प्रेजेंट होंगे ब्राउन एल्गी में, और रेड एल्गी में कोई भी फ्लैजेला नहीं होता. ओके, सो दिस इज अबाउट द कंपैरिजन. दिस इज द टेबल दैट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक प्लांट किंगडम चैप्टर. सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए देन यू कैन गिव दिस वीडियो अ ह्यूज थम्स अप. आप प्लीज बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, सो दैट यू कैन गेट ईच एंड एवरी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग एवरी वीडियो, एवरी कम्युनिटी पोस्ट, एवरी स्टोरी ऑफ दिस चैनल. एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल जिससे कि आप लोगों को सारा इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट जो है मिलता रहे इस चैनल पे. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे ट्यून्ड एंड गॉड ब्लेस यू. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस.